हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 5 का जो आगे का टॉपिक है इनहेरिटेंस इन वन जीन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, तो मेंडल इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पहले ही देख चुके थे कि इनहेरिटेंस में पेरेंट्स के करेक्टर अपने जनरेशन में न्यू जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, उन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए टॉल एंड ड्रॉप प्लांट्स पी प्लांट्स लिए थे, उनका हाइब्रिडाइजेशन किया था। ठीक है, और करने के बाद इन्होंने सीड प्रोड्यूस किए थे, उस सीड को उगाकर उन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट प्राप्त किए थे। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फीलियल प्रोजेनी या फिर F1। ठीक है, मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि F1 प्रोजेनी के जो सभी प्लांट्स थे ना, वो लंबे थे, टॉल थे। ठीक है, इसमें मतलब जो सभी जो करेक्टर आए ना, वो एक पेरेंट से आए, दूसरे पेरेंट्स के करेक्टर इसमें नहीं आए थे, जो कि प्लांट ड्रॉप के जो ड्रॉप प्लांट था ना, उसके करेक्टर इसमें शो नहीं हुए। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने और भी ऑब्जर्वेशन किए थे और भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें भी देखा कि सेम यही कंडीशन आ रही थी। ठीक है, तो क्या किया फिर मेंडल ने, F1 के जो सभी टॉल प्लांट्स थे उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मतलब उन्हीं का जो पॉलिनेशन कराया था, कोई और प्लांट्स नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ कैसे लिए थे, लंबे प्लांट्स लिए थे, टॉल प्लांट्स लिए थे। तो F2 जनरेशन में इन्होंने देखा था, क्या देखा था, कि सभी जो पहले वाली जनरेशन में नहीं हुआ वो इस जनरेशन में आ गया था, कि कुछ ड्रॉप प्लांट्स भी इन्होंने देखे थे इसमें, कुछ बौने पौधे रहते ना वो भी इन्होंने इसमें देखे थे, जो करेक्टर F1 जनरेशन में नहीं देखे थे। ठीक है, और इसका जो रेशियो था क्या था, ड्रॉप प्लांट्स का था 25%, जबकि 75% टॉल प्लांट्स थे। क्या थे, 75% टॉल प्लांट्स थे। ठीक है, अब आगे देखा जाए कि इसने किसी प्रकार से कोई भी मिक्सचर नहीं आया था। क्या मिक्सचर नहीं आया था, कि यदि इन्होंने 5 मीटर का एक प्लांट्स लिया है और 2 मीटर का एक प्लांट्स लिया है, तो जो भी प्लांट्स आए हैं टॉल एंड ड्रॉप, तो दोनों ही इसी, या तो 5 मीटर के आए हैं फिर 2 मीटर्स के आए हैं। ठीक है, 5 मीटर्स या 2 मीटर्स के आए हैं, बीच वाली कंडीशन इसमें नहीं आई है। ठीक है, इसके बाद क्या है, F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंट्स के करेक्टर शो हुए हैं, जबकि F2 जनरेशन में दोनों ही 3:1 का यहाँ पे एक्सप्रेस्ड हुआ था। तो देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग टेस्ट में दोनों F1 या F2 लेवल पर किसी भी प्रकार का मिक्सचर्स नज़र नहीं आया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन हुआ था, कि मेंडल ने प्रपोज किया था कि कोई भी वस्तु अनचेंज्ड फॉर्म में, क्या है मतलब, कोई भी वस्तु अनचेंज्ड फॉर्म में पेरेंट से क्या होती, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को गैमेट के माध्यम से सक्सेसिव जनरेशन में आई है, मतलब जो आगे वाली जनरेशन है ना उसमें गई है गैमेट के माध्यम से। और यह जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, और अब उसे हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, की यूनिट होती है क्या जीन, तो किस जीन में कौन सा पर्टिकुलर ट्रेट्स या करेक्टर एक्सप्रेस्ड होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें ही होती है। और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के कोड जिन्हें एलील्स कहा जाता है, एक ही जीन्स में होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर हम अल्फाबेटिकली सिंबल यूज करें ईच जीन्स के लिए, मतलब प्रत्येक जीन्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन से सिंबल, यदि हम कैपिटल लेटर टी का यूज करते हैं यदि हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं F1 स्टेट में, और स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं अदर ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैपिटल यहाँ पर करेक्टर ऑफ हाइट देखा जाए, ठीक है, तो टी यूज्ड होता है, इन्होंने किया है कैपिटल टी यूज किया है टॉल प्लांट्स के लिए, और स्मॉल टी यूज किया है ड्रॉप प्लांट्स के लिए, मतलब बौने पौधे के लिए। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही कैसे होते हैं, एलील्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में हाइट के पेयर्स ऑफ एलील्स कौन कौन से होते हैं, कैपिटल टी होते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, और स्मॉल टी होता है। ठीक है, तो मेंडल ने भी यह देखा था कि ट्रू ब्रीडिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में मटर के लंबे और ड्रॉप, मतलब टॉल एंड ड्रॉप के हाइट के एलिल्स कैपिटल टी और स्मॉल टी थी। ठीक है, और कैपिटल टी ले या फिर स्मॉल टी ले, दोनों ही क्या होते हैं, एलिल्स होते हैं, जीनोटाइप्स कहते हैं। और यदि हम इनके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, जैसे यदि टॉल एंड ड्रॉप बताएं, तो वो होते हैं फिनोटाइप, मतलब इनके एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मेंडल ने F1 में हेटरोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी फिनोटाइप देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। उन्होंने बताया था कि जो पेयर्स ऑफ डिसिमिलर फैक्टर हैं उसमें एक दूसरे के, मतलब जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट होता है, जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव होता है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, और रिसेसिव अपने जो, मतलब
कैपिटल टी पर नहीं प्रभावी हो पाता है। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव को कंसेप्ट के बाद यदि हम यह देखें कि टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्रॉप के लिए डी का प्रयोग करें तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो होमोजाइगस केस में देखा जाए एलील सेम हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। लेकिन यदि हेटरोजाइगस केस की बात करें तो उसमें डिससिमिलर भी हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट्स में हेटरोजाइगस और सिर्फ एक ही करैक्टर हाइट जो कि कंट्रोल करता है, तो यह क्या होता है, मोनोहाइब्रिड होता है। जबकि कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस होता है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देखें, आपकी बुक में भी दिया गया है लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर देखेंगे यदि हमने F1 जनरेशन, सबसे पहले हमने क्या लिया था, टॉल प्लांट्स और क्या लिया था, ड्रॉप प्लांट। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कराया, इन F1 जनरेशन में हमें कैसे प्लांट्स प्राप्त होते, कैपिटल टी इससे बना। अब इसका हमने कॉम्बिनेशन कराया इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। इससे कॉम्बिनेशन कराया तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और इसका कॉम्बिनेशन इससे कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। मतलब जो सारे के सारे प्लांट्स बने वो कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं। कैसे हैं, टॉल प्लांट्स हैं। ठीक है, यदि तो ये कौन सी जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन। ठीक है, यदि हम इसके बात करें, अब सारे करेक्टर तो F1 जनरेशन में लंबे पौधे आए थे, टॉल प्लांट्स हैं। ठीक है, तो यदि इन्होंने क्या किया F1 जनरेशन के बाद, तो सारे प्लांट्स मतलब टॉल प्लांट्स का ही